बैटिंग में अगर आपको कंट्रोल बढ़ाना है तो आपको थोड़ा सा लेट खेलना स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने बॉडी के क्लोज खेलना स्टार्ट करना पड़ेगा बॉल को। तो ये कुछ बैट्समैन हैं जो बैटिंग करते हैं तो वो आगे से ही मारते हैं क्योंकि उनका बैट फ्लो अच्छा होता है। ठीक है, आगे से मारोगे आप तो आपको बैट का स्विंग अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आपको लंबी इनिंग्स खेलनी है और जैसे कुछ बैट्समैन हैं कि 30 तक 35 तक स्टार्ट मिलता है लेकिन उनको बड़े इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो एक तो आप क्या कर सकते हो कि अपने छोटे छोटे टारगेट सेट कर सकते हो। छोटे छोटे टारगेट सेट करोगे, उनको कंप्लीट करोगे, तब आप 100 या 150 तक अपना स्कोर कंप्लीट करोगे। तो क्या इम्पॉर्टेंट है लंबी इनिंग्स खेलने के लिए और बैटिंग कंट्रोल बैटिंग करने के लिए, कि आपको जो बैटिंग है अपनी अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑफ द बॉल करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ बैट्समैन हैं आगे से ही मारते हैं बॉल को तो उनका बैट फ्लो अच्छा होता है और बैट स्विंग अच्छा मिलता है उन्हें, लेकिन क्या है कि उनका कंट्रोल कम रहता है बॉल पे। अब अजिंक्य रहाणे को देख लीजिए, आप लेट खेलते हैं, बॉडी के क्लोज खेलते हैं तो कितना अच्छा कंट्रोल है, गाइड कर सकते हैं बॉल को इधर उधर। तो ये डिफरेंस है। तो अगर आपको कंट्रोल करना है अपनी बैटिंग में तो आपको बॉडी के क्लोज खेलना पड़ेगा बॉल को।